शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और इस समय हम लोग घर पर, टाइमिंग क्या हुआ भाई? टाइमिंग हो रहा है 6 बजने जा रहा है। तो 6 बज रहा है, अब घर से निकलते हैं। घर से निकलने का काफ़ी लेट हो गया है, तो घर से निकलने के बाद आगे अपडेट देखते हैं, कहीं आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर दोस्तों देते हैं आगे का अपडेट, आज का व्लॉग करते हैं भयंकर, बोलो जय शिव शंकर। और इस समय हम हैं लखनऊ रोड पर, एक्चुअली आज जाना है लखनऊ, तो लखनऊ जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाना है, दवाई लेनी है, जैसा कुछ भी होता है सारा कुछ आपको अपडेट देते हैं, बने रहें व्लॉग पर। ये सुबह सुनहरी सुनहरी सुबह है, सूर्य अभी निकला हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रही है, तो चलते हैं आगे का अपडेट आगे देते हैं जो भी होता है। हम लोग पहुंच चुके हैं संडीला पहुंच चुके हैं, और अभी यहां से लखनऊ की दूरी मात्र बस्ती है 55 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। और बात यह है कि भाई रोड का नवीनीकरण हो रहा है, तो रोड बहुत ही गंदा बना के रखे हैं, बहुत ही गंदा है यार। हर 1.5 किलोमीटर के बाद रोड इतना गंदा आता है, इतना खराब हो जाता है कि वाट लग जाती है, बहुत वाट लग रही है। स्कूटर से आए हुए हैं, देख सकते हो ड्राइव कर रहा है बंदा हमारा, क्योंकि मैं तो ड्राइव कर नहीं सकता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बैठो पीछे आराम से। तो जो भी अपडेट होता है आगे देते हैं, शहर होने वाला है। बस भूसी पड़ी है, देख सकते हो। तो फिर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं, और मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली लाइन में लगे हुए हैं, लाइन दिखाते हैं, काफी लंबा लाइन लगा पड़ा है। एक्चुअली हमको दिखाना है प्लास्टिक सर्जरी में, और मामा ने बोला है कि वो थोड़ी देर में आएंगे, आधा घंटा उनको लग जाएगा, अगर वो आ जाते हैं तो पर्चा वो कटवा देंगे, और अगर लाइन से हम पहुंच गए सही समय तक तो हम अपने आप पर्चा कटवा लेते हैं। जैसा भी होते हैं, जैसा भी होता है आगे अपडेट देते हैं आपको, बने रहें ब्लॉग पर। आगे का अपडेट ये है, पर्चा कटवा लिया है, पर्चा कटवाने में टाइम लगा हम उनको, करीब 1.5 घंटा लग गया, और नीचे गए तो नीचे बहस हो गई मेरी, दिखाते हैं और बताएंगे भी किससे बहस हुई। और इस समय बैठे हैं प्लास्टिक सर्जरी वाले वार्ड के डिपार्टमेंट के जस्ट सामने बैठे हैं, पर्चा जमा कर चुके हैं, और देखते हैं कितना टाइम लेते हैं ये लोग, दिखवाने में कितने टाइम के बाद नंबर आता है, फिर बताते हैं यहाँ से कहाँ जाना है, और डॉक्टर ने क्या बताया ये भी आज अपडेट बताएँगे अपने स्वास्थ्य के बारे में, जो कुछ होता है सारा कुछ अपडेट देते हैं, बने रहें। तो फिर आगे का अपडेट देते हैं, आगे का अपडेट ये है कि भाई दवाई तो ले लिया है, दवाई लेने के बाद अब निकल पड़े हैं स्कूटर उठाने के लिए। और यहाँ मेडिकल कॉलेज की सबसे गंदी बात यह है कि दलाली बहुत होती है यहाँ, पर्चा बनवाने पे दलाली होती है, ठीक है, दिखवाने पे दलाली होती है, अगर ऑपरेशन करवा रहे हो तो मेडिसिन जो लिखी जाती है उस मेडिसिन पर दलाली होती है, गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है यहाँ, सच में गरीब आदमी साला मर जाएगा। बट डॉक्टरों को क्या है ना, वो लोग अपना अंदर उनका आ गया नाश्ता, वो उनका नाश्ता चल रहा है सालों का, और पेशेंट बाहर बैठे हैं बेचारे परेशान हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अंदर से बोलते हैं जो प्रोफेसर हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है, अभी हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ है, जो वो प्रोफेसर थे उनका आ गया बिरयानी आ गई, तो वो बोलते हैं भैया पेशेंट को अंदर मत भेजिएगा, अब पहले खा लें नाश्ता कर लें। सही बात, भड़वे हैं मेडिकल कॉलेज वाले, भड़वे एक नंबर के। जो भी हो, बहुत गंदा मेडिकल कॉलेज है, आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही गंदा रहा है। और हाँ,
दुखद बात ये हुई कि भाई डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन का डेट दे दिया, बहुत गंदा बात है, बोला ऑपरेशन करवाना है अब तुम्हारा, 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो ज़्यादा अगर वेट कराया तो आपका हाथ ऊपर वाला बिल्कुल ही नहीं चलेगा, इसलिए एक अभी सर्जरी करा लीजिएगा, फिर बाद में अगर सर्जरी होता है तो बाद में भी करवाते हैं सर्जरी, जो कुछ भी होता है आगे बताते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है कहीं, तो वहाँ चल कर आप लोगों को आगे अवगत कराते हैं, बने रहें ब्लॉग पर। आगे का फिर, और आगे आप देख सकते हो ये वही लोकेशन है, ये है कैंटीन, और कैंटीन आ चुके हैं, बैठे हैं कैंटीन में इस समय। सचिन भाई हमारे जो है अंदर जा चुके हैं सामान लेने के लिए, और आते हैं फिर दिखाते हैं क्या क्या लेने गए थे, क्या क्या लेकर आए हैं सचिन भाई, बने रहे हैं ब्लॉग पे, जो भी अपडेट होता है आगे अपडेट कराते हैं आप लोगों को। देखते हैं आगे का अपडेट, काफ़ी देर से वेट कर रहा था मैं सचिन भाई का कि वो कब कैंटीन से निकले हैं और यहाँ से निकला जाए कैंटीन से। फाइनली आ चुके हैं हमारे सचिन भाई, एक डलिया सामान पहले ला चुके हैं, देख सकते हो ये डलिया में सामान पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है बिस्किट है, नमकीन है, बॉडी लोशन है, क्रीम है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, और लड़काते लड़काते एक दूसरी डलिया लेकर आ रहे हैं हमारे सचिन भाई, दूसरी भी डलिया लेकर आए हैं, और जिसमें सबसे कम सामान है इसमें भाई ने लगाया 1.5 घंटे, और जिसमें इतना ज़्यादा सामान है इसमें भाई ने लगाया मात्र 45 मिनट। समझ सकते हो भाई का IQ कितना तेज चल रहा है इस समय, भीड़ के ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ तो लूट मचा था, भीड़ है, लूट मचा था, बैग भी लेना था तो सबसे ज्यादा टाइम तो वहीं पर लगा, और बैग टाइमिंग लिया भी नहीं, यहाँ का जो प्राइस है जो सेम पड़ रहा होगा अमेजोन से कम है, मतलब ज़्यादा है अमेजोन से ज़्यादा। तो फिर अब यहाँ से सामान पैक करते हैं और निकलते हैं आगे, देते हैं कहीं पर भी चलकर आगे अपने। फिर फाइनली ढूंढ ली है दुकान जो कैमरे की फेमस है गणेशगंज की मार्केट में, परिचय देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, भाई जी की शक्ल देखकर आप समझ गए होंगे लखनऊ में कहाँ पर खड़े हैं, किस दुकान पर खड़े हैं। और यहाँ कवर ख़रीदना था कैमरे का, तो भैया देख रहे हैं ब्लैक कलर का, तो यहाँ पर एक्चुअली इसका जो लैमिनेशन होता है जो ऊपर चिपकाने वाला पन्नी होता है वो तो मिला नहीं है, इसका कवर मिल रहा है, तो देखते हैं कितने का पड़ता है, या फिर जो भी होता है आगे आपको अवगत कराते हैं कितने का पड़ा। तो जैसा कि मैंने बोला था कितने का पड़ा है कवर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा चल के कहीं रुक कर, और इस समय हम हैं लाल बाग में, और लाल बाग में जो आपने बंगाल सर्जिकल इक्विपमेंट्स वाला दुकान था वहाँ मेरा काम, मैंने मशीन डाल दिया है और भैया ने बोला है कि 2-4 दिन में बन जाएगा, तब फिर लेना आकर, अब देखते हैं कितने दिन में मशीन बनती है। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है बोट के शोरूम सर्विस सेंटर, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ आगे अपडेट देते हैं जो भी होता है। और आगे जैसा कि मैंने बोला था कि कवर का प्राइस बताते हैं आप लोगों को, जो मैंने ब्लैक कलर का कवर लिया था नैकॉन T5300 का, तो वो हमको पड़ा 600 रुपये का कवर पड़ा है, और इस समय एक्चुअली हम हैं बोट के सर्विस सेंटर पर, और सचिन भाई अंदर गए हैं बात करने के लिए, कि उन्होंने बोला कि टोकन लगेगा, टोकन लगने के बाद जब आपका नंबर आएगा तब आपका चीज़ देखा जाएगा, तब रिपेयर किया जाएगा, बट मेरा मानना ये है कि मैंने सचिन से तो ये बोला है कि यार छोड़ दो घड़ी, बाद में उठा लेना जब आएंगे थर्सडे को, उस दिन उठा ली जाएगी घड़ी, क्या रहा क्या क्या भूल जा रहा हूँ, बनाएंगे देखा जाए
आधा घंटा बोला है, अब जो भी होता है अपडेट देते हैं। आपकी भी कंप्लेन है ना भाई, डिस्प्ले नहीं ऑन हो रहा भाई, ऐसे कंपनी बनाते ही कहा है, इतनी की कंप्लेन आती है यार, हम लोग भी परेशान हैं, मतलब 150 किलोमीटर दूर से आए हैं यहाँ, और अंदर भी वेटिंग में कम से कम 15 से 20 लोग बैठे होंगे जो वेट कर रहे हैं कब हमारी बारी आए और हमारी चीज़ ठीक की जाए। किसी का बट्स है तो किसी की वॉच है, मोस्ट ऑफ वॉचेज हैं जिनकी ख़राब हुई हैं, तो हम तो यही राय देंगे भाई, नॉइस की खरीदो घड़ियाँ, बोट वोट की मत खरीदो, बेकार है। तो अब जो भी होता है अपडेट आगे देते हैं। फिर दोस्तों अब पहुँच चुके हैं, तो फिर अब पहुँच चुके हैं अमीनाबाद के चौराहे पे, बहुत ट्रैफिक है यार नवाबों के शहर में, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण कम से कम 15 मिनट हो चुका है यहाँ पर खड़े खड़े, और देखो कितनी देर और खड़ा होना पड़ता है, बहुत ट्रैफिक लगता है यहाँ पे। अब थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुआ है तो फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी थकान भरा दिन था आज का, चले भैया बड़ा आ रहा है, कैंसर हो रहा है, जमा जम खराब, गाइड करते हैं पुलिस वाले अपने आप गाइड करते हैं, इसी कारणवश ट्रैफिक बहुत लगता है यहाँ पे। आप आवाज़ सुनकर देख सकते हो कितना ट्रैफिक लग रहा है, इतना ट्रैफिक गाइड ना है यार, बहुत ट्रैफिक है सीधे जगह जगह बोल रहे। काफ़ी ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक, और खास बात ये है कि आज थोड़ी देर पहले बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, इतनी कस के बरसात हुई कि सारी रोडें गीली हो गई हैं, देख सकते हो भाई लखनऊ का। तो फिर जो भी अपडेट होता है आगे देते हैं, बने रहें व्लॉग पे भाई लोग, प्यार दिखाते रहो, लाइक करते रहो। आगे का अपडेट, और आगे का अपडेट भाई सचिन भाई बताओ कहाँ हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। इस समय हम लोग इस समय हम लोग हैं चरक चौराहे, और इनके मेडिकल मेडिसिन के यहाँ हमको फाइनली मेडिसिन मिल गया, कम से कम 10 मेडिकल मजाया होगा तब जाके भाई मिला है। हालत बहुत ख़राब हो चुका है और मौसम उल्फते जहर हो चुका है भाई, क्योंकि मौसम ऐसा रुख मोड़ा है मौसम ने ना भाई, कहीं का नहीं छोड़ा है, पता नहीं घर तक पहुँच पाएंगे या फिर कहीं बीच में स्टे करना पड़ेगा, जैसा कुछ भी होता है आगे अपडेट देते हैं, बने रहें मिलो। तो फिर देते हैं आगे का अपडेट, और लखनऊ से निकले थे करीब 6 बजे निकले थे, और सचिन भाई समय टाइम क्या हो रहा है, क्यों सचिन? तो 15 मिनट अभी कम है, 14 मिनट कम है 9 बजने में, देखते हैं किस समय तक घर जाते हैं। और सुबह से कुछ नहीं खाए थे भैया, सुबह से दौड़ रहा है इधर उधर इधर उधर, फाइनली फाइनली हम लोगों का खाना आ चुका है, एक में है पनीर, दूसरे में है सूखी सब्जी, चपाती मंगाते हैं, फिर खाना खाते हैं, खाने खाने के बाद अपडेट देते हैं आप लोगों को। दोस्तों आगे का अपडेट दे रहे हैं, आगे का अपडेट ये है, खाना ना खा लिया था, खाना ना खाने के बाद अब आई है बारी पेमेंट की, अरे मना कर रहा है पेमेंट देने से, कैसा दोस्त है दे, पेमेंट भी नहीं देगा क्या? फसल से ये है लॉन्ग डेट, पेमेंट भी नहीं देते हैं हाथ, हमें तो देना पड़ेगा 10 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। तो वो भी आपका 150 15 रुपये। तो फिर यहाँ से हरदोई की दूरी बसती है मात्र 41 किलोमीटर, अब हरदोई पहुँच कर आपको देते हैं आगे का अपडेट जो भी होता है, बने रहें व्लॉग पर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा वहाँ पे खाना ना खाने के बाद फिर मैं घर चला आया था, और घर करीब पहुँचा था 11:30 बजे, 11:30 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते, घर आने के बाद काफ़ी थक गया था, थकान होने के कारण मैं सो गया था, और अभी उठाऊँ 7 बजे, तो 7 बजे मैं व्लॉग का अंत करता हूँ। अतः आपको ये ब्लॉग पसंद आया लखनऊ का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर गलती से आ गए हैं तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और संभव हो सके तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तड़कते फड़कते नए ब्लॉग के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।